एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल आयुर्वेदिक काजल की रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। बिफोर दैट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड साइड में जो छोटा सा बेल आइकन है उसको भी हिट कर दीजिए, सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स बिगिन। आज मैं आपके साथ जस्ट हर्ब्स की नयनम डे लॉन्ग कोहल काजल की रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। ये प्रोडक्ट मुझे कोलाब में आया है। प्रोडक्ट ना मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा, तो इसीलिए मैं सोची कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर लिया जाए। सो चैनल पर मैं कभी भी जस्ट हर्ब्स की प्रोडक्ट की रिव्यू नहीं की हूँ, तो इनकेस अगर आपको जस्ट हर्ब्स के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है तो मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफिंग दे देती हूँ। सो जस्ट हर्ब्स एक इंडियन ब्रांड है। सो ये स्किन केयर, हेयर केयर, परफ्यूम्स एंड मेकअप प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंड इनके सारे प्रोडक्ट्स पैराबिन फ्री हैं एंड क्रुएल्टी फ्री हैं। सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मेथड में बनाया हुआ है एंड इनके प्रोडक्ट्स में कोई भी हार्श केमिकल्स नहीं होते हैं। सो नाउ कमिंग टू इट्स पैकेजिंग, तो आउटर पैकेजिंग इन्होंने बहुत ही सिंपल रखा है, उतना ज़्यादा कुछ भी तामझाम नहीं है। पीछे में एज यूजुअल आपको इसके एक्सपायरी डेट, इसके इंग्रेडिएंट्स, डायरेक्शंस फॉर यूज़ एंड कॉस्म के बारे में पता चलेगा। एंड प्रोडक्ट की इनर पैकेजिंग कुछ इस तरह का है। ये एक रिट्रैक्टेबल काजल है, सो काजल के ऊपर कोई भी एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं है, तो इसीलिए आपको इस कार्डबोर्ड पैकेजिंग को बहुत अच्छे से संभाल कर रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा कि कभी एक्सपायर हो गया। इनटू इट्स इंग्रेडिएंट्स, इसके की इंग्रेडिएंट्स हैं स्वीट आलमंड ऑयल एंड विटामिन ई। स्वीट आलमंड ऑयल हमारे आईज को स्मूथ रखने में हेल्प करता है एंड किसी प्रकार का भी इरिटेशन हो उसको ये प्रिवेंट करता है। विटामिन ई आईज को हाइड्रेट रखने में हेल्प करता है। अगर आपके आईज ड्राई है तो इस ड्राइनेस को विटामिन ई प्रिवेंट करने में बहुत हेल्पफुल होता है। बाकी जितने भी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं मैं सबको एक एक करके बहुत अच्छे से डिटेल्स उनके बारे में पढ़ी हूँ, तो वो उतना ज़्यादा हमारे स्किन के लिए या फिर हमारे आईज के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। एक इंग्रेडिएंट है जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इन्होंने इसमें CI77266 ऐड किया है। तो बेसिकली इसका काम है ये काजल को बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड करने के लिए हेल्प करता है। इस इंग्रेडिएंट के बारे में मैं डिटेल पढ़ी थी, 10% से ज़्यादा यूज करते हो तो ये आईज को इरिटेट भी कर सकता है और आपको कैंसर भी हो सकते हैं, तो आप इस काजल को यूज़ करने से पहले थोड़ा सा पैच टेस्ट जरूर कर लें। नाउ मूविंग इनटू हमारा मेन टॉपिक, जो कि अभी तक आप वेट कर रहे हो प्रोडक्ट कैसा है देखने के लिए। प्रोडक्ट हाईली पिगमेंटेड है एंड एब्सोल्युटली ये वन स्ट्रोक एप्लीकेशन है, बट ये वाटर प्रूफ नहीं है लेकिन ये स्मच प्रूफ है। अकॉर्डिंग टू द ब्रांड ये 11 आवर तक स्टे करता है, बट मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से ये 11 आवर तक स्टे नहीं करता है, आई थिंक इट्स 5 to 6 आवर्स अच्छे से स्टे करता है। तो आज मैं आपके साथ इस काजल को यूज करके अपसाइड विंग आप कैसे बना सकते हो ये मैं आपको सिखाऊंगी। वैसे तो मैं भी उतना ज़्यादा प्रो नहीं हूँ, मैं भी इसको किसी एक यूट्यूबर से ही सीखी थी एंड मैं भी इसको 2 बार ट्राई कर चुकी हूँ। आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा। सो अपसाइड विंग बनाने के लिए हमें चाहिए एक क्रीमी कोहल काजल, तो मैं यहाँ पर अपने वाटर लाइन पर काजल अप्लाई कर रही हूँ। उतना ज़्यादा आपको प्रिसाइजली अप्लाई नहीं करना है, बस थोड़ा जितना आपको थिकनेस चाहिए उसी हिसाब से आप अप्लाई कर लीजिए। देन आफ्टर दैट आप इसको स्मज करेंगे, तो स्मज करने के लिए हमें ब्रशेस चाहिए होंगे। आप अगर आपके पास पेंसिल ब्रश है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है, अगर आपके पास फ्लैट पॉइंटेड ब्रश है उससे भी आप स्मज कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास आईब्रोज के जो ब्रश आते हैं उससे भी आप स्मज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो मेरे वाटर लाइन्स पे काजल है उसको स्मज कर रही हूँ एंड उसको अच्छे से स्मज करने के बाद तो रेस्ट ऑफ द काजल जो बचा हुआ होगा उसी को ही मैं स्मज आउट कर लूँगी। अगर आपको एकदम प्रिसाइज लाइन चाहिए तो आप इसको कंसीलर यूज करके उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। मुझे उतना प्रिसाइज लाइन नहीं चाहिए था, मैं बस ऐसे ही स्मज कर दी।
सो नाउ कमिंग टू इट्स प्राइस, इसकी प्राइसिंग है 295 रुपीज़। ये आपको अमेजन पर मिल जाएगा, अदर साइट्स में भी आपको मिल सकता है, लेकिन अमेजन पर ये आपको थोड़ा सा डिस्काउंट में मिल जाएगा। पूछेंगे कि आपको इसे परचेज करना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपको नेचुरल प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, देन डेफिनेटली आपको इसे एक बार ट्राई करना चाहिए। अगर आपको वाटरप्रूफ वाला काजल चाहिए, देन यू शुड गो फॉर मामाअर्थ काजल। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, एंड मुझे कॉमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।